इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं, यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहां असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहां आने वाले भक्त प्रतिमा के दर्शन करने से सुख शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करती हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं बं हं सं दं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं झं झं झीं झीं च्वीं च्वीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्राभि द्राभि नवरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों बं पापु घंटे घंटे जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे ओम नमो अर्हम झम झिम झिम हम सम झम बम हाया सा छाम छीम चोम छे छे छो छो छम छा छिवीम हिराम हिरीम हिरूम हिरे हिरे हिरु हिरुम ब्रुम रा द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नवरति भगवती श्रीमती ठाटा अस्माकम समस्त भवजीवानम श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं समस्त कार्य सिद्धार्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत् सर्वज्ञ परमेष्ठि पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपद्म प्रसादा सदर्म श्री बलैरभिविद्रस्तु सोधर्म सुशिष पशिष भर्गभ सिदंतुनः ओम विश्वादाय श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञः परम मंगल नाम धिया यामच्छा सिद्धिं तद्वन्तु सदर्म कई सो यामच्छा सिद्धिं पिछन्तु नः। ओम नवृति भगवती श्रीमती श्रीमद शांतिना जी गुंथना जी रैना जी तीर्थंकराई श्रीमद रत्नात्रय रूपाई दिव्य तेजो मोदे प्रभा मंडल मंडिताई द्वादशगण सहिताई अनंत चतुष्टय सहिताई समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताई अष्टादश दोष रहिताई सचुत्वाणी गुण सेवकताई परमेष्टि पवित्राई सम्यक ज्ञानाई स्वंभवि सिद्धाई बुद्ध्याई परमात्मने परम सुखाई त्रिलोक महिताई अनंत संसाचक प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रिलोक प्रसन्न कराय सत्य ज्ञानाय सतभ्रमणि भरतफड़ा मंडल मंडिताय ऋषि यारिका सरावक साविका प्रमुख चतुर्विध संघ उपसर्ग विनाशनाय घाती करम छैन कराय अजराय अभय अस्माकम स्वर्गीय श्रीमान प्रकाश चंद जी बहरिया वाला परिवार सागर की प्रथम पूर्ण स्मृति के अवसर पर श्रीमती सुलोचना जी दीपक जी शोभना जी अंकुर जी अमृता जी दिव्यांश जी यशिका जी आर्स जी आतिका जी बहेरिया वाला परिवार बाहुबली कॉलोनी सागर सा परिवारस मंगल भवतु। श्रीमती कमलानी जी प्रकाश जी सागर सा परिवारस सुगंधी भाई जी विजय जी संतोष जी प्रमोद जी नवीन जी कमलेश जी मीना जी सुविता जी कविता जी शैलेश जी सपन जी अमन जी पर्व जी गुहू जी आशी जी पीहू जी समस्त सागर एवं छत्तीसगढ़ वाला परिवार सापरिवारस करण जी होजरी जबलपुर सापरिवारस अमिता जी अमित जी पिपरई सापरिवारस सुनील जी त्योंदा सापरिवारस कस्तूरचंद जी किरण जी अतुल जी अंकित जी जयसी नगर वाला परिवार सापरिवारस पुष्पलता जी सुनील जी आशुतोष जी जबलपुर वाला परिवार सापरिवारस राजकुमारी जी रमेश जी सुधी जी राहुल जी गड़ाकोटा सापरिवारस ऋषभ जी सागर सापरिवारस श्रीमान प्रकाश जी सुमित जी निखिल जी विशाल जी मुंबई महाराष्ट्र सापरिवारस सुनील जी प्रमोद जी जबलपुर वाला परिवार सापरिवारस समस्त भवजीवानम व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादा सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा बनास्तम भवतु। ओम नवृति भगवती पिछिना से दोष कलमसाई दिव्य तेजो मोदे नमः। श्री शांतिनाथाई शांति कराई सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगाम मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोद्र विनाशनाय सर्वष्ट शांति कराये ओम भ्राम भ्रीम रुभ्राशि एव सन्मा मम सर्वविघ्न शांतिम गुरुगुरु तुष्टिम पुष्टिम गुरुगुरु स्वाहा। आयुवल्य विलासम सकल सुख फल गत्वा सुलंपम धीरम वीरम शरीरम निरूपम उन्नत तनोक्षकेतम सिद्धिम विद्धिम समृद्धिम पिक्षते स्पर्दुच्चे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधि वितत्युक्त माम उत्तमा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां
इतेन्द्र सामान्तपोधनान देशष्ट्रिराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवाजिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवञ्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवाजिनेन्द्र। जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जो कि एक 900 वर्ष प्राचीन क्षेत्र है, यहाँ पर निरंतर अतिशय घटित हुए हैं। इस क्षेत्र को अतिशयों की खान भी कहा जाता है। इस महान अतिशयकारी क्षेत्र पर एक ऐसे मुनिराज का जन्म हुआ जो आज हमारे बीच पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज हैं। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपनी चर्या से एक जैन धर्म की अनूठी प्रभावना की। पूज्य सुधा सागर जी गुरुदेव जहां जहां भी गए, खंडर क्षेत्रों पर गए और उन क्षेत्रों पर साधना करके कहीं कहीं तो हम लोगों ने देखा ऐसे कमरे में विराजमान हुए जो कमरा पूरा पानी से चूरा है। टीन सेट आदि बनाया, टीन सेट आदि बनाकर वहां पर चतुर्मास हुआ और आज उन क्षेत्रों की हम दशा देखते हैं। आज वो क्षेत्र ऊंचाई को छू रहे हैं। संघर्ष के साथ पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना के साथ, अपनी तपस्या के साथ अनेक क्षेत्रों को निर्माण किया। अनेक आशीर्वाद से अनेक क्षेत्रों का निर्माण हुआ, अनेक क्षेत्रों का उद्धार हुआ। अनेकों हॉस्पिटल गुरुदेव के आशीर्वाद से खोले जा रहे हैं, अनेकों गौशालाएं गुरुदेव के आशीर्वाद से खोली जा रही हैं और अनेकों मंदिर, अनेकों स्कूल पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से बन रहे हैं। ऐसे महान गुरुदेव ने जब शांति धारा की महिमा गाई तो आज पूरे देश के हर मंदिरों में शांति धारा हो रही है। पूज्य गुरुदेव ने शिविर लगाया, आज पूरे भारत देश में 10 लक्षण महापर्व में शिविर लग रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने जिज्ञासा समाधान शुरू किया, आज अनेकों हजारों हजारों लाखों लाखों भक्तों की जिज्ञासाओं का आगम के अनुसार समाधान हो रहा है। ऐसे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जहां भी जाते हैं उस समाज को एक नई विरासत देते हैं। एक जैन धर्म की एक नई विरासत खड़ी हो जाती है, जिन संस्कृति को जीवित कर देते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी की यह जन्मस्थली है। यहाँ पर भी एक प्राचीन क्षेत्र है, भव्य क्षेत्र की यहाँ पर स्थापना हो रही है, इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। पूज्य गुरुदेव की सोच है जो पुराने क्षेत्र हैं आज वह खंडर हो चले हैं। जो पूर्वज हमें क्षेत्र देकर गए थे आज वह क्षेत्र देखते हैं कहीं कोई दीवारें क्रैक्स हैं, कोई दीवारें टूट रही हैं, कोई छतें टूट कर गिर रही हैं। तो पूज्य गुरुदेव की भावना है जो पूर्वज आज क्षेत्र बनाकर गए थे उन क्षेत्रों को पुनः निर्माण करके हजारों हजारों साल के लिए पुनः बनाना है। इसी भावनाओं को लेकर पूज्य गुरुदेव क्षेत्रों का निर्माण कर रहे हैं। चाहे सैकड़ों क्षेत्र नए बना लेना और एक पुराने क्षेत्र का जीर्णोद्धार कर देना, पुराना क्षेत्र कई क्षेत्रों से भारी होता है। ये पुराना क्षेत्र है, 900 वर्ष प्राचीन क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर अनेकों योजनाएं चल रही हैं, सहस्कूट भी बन रहा है, मंदिर भी बन रहे हैं, गौशालाएं, स्कूल आदि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जो भी जिनवाणी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, जिनकी जो भी भावना हो उस भावना में आप जिनवाणी चैनल के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप फोन करके उस योजना का लाभ ले सकते हैं और इस क्षेत्र के विकास में, जिन संस्कृति के रक्षा में आप सहयोगी बन सकते हैं। बोले देवाधिदेव ईश्वरवारा के परमति सहकारी शांतिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यांशक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश।